हे वीनू, कसा आहेस? कैंप का पहला दिन कैसा गया? बहुत अच्छा था, लेकिन क्या हुआ वीनू? वीनू, क्या हुआ है? तबीयत ठीक तो है ना? खाना खाया? खाना अच्छा नहीं लगा या जगह अच्छी नहीं है? किसी भी चीज की कमी है, बताना बेटा। लड़ाई हुई किसी के साथ, किसी ने कुछ बोला तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अपने बाबा से बात नहीं करेगा, नहीं बताएगा? वो मैं कह रहा था कि दिन बहुत अच्छा गया, लेकिन मुझे आपकी याद बहुत आई। मेरा दिल कर रहा था कि आप यहाँ होते मेरे पास। ये मेरे शेर, तुम कभी भी कहीं भी रहो, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ ही है हमेशा। चलो अब अच्छे से अपने चादर के अंदर घुस जाओ और सो जाओ। मैं एक प्यारी सी कहानी सुनाऊंगा, तुम्हें अच्छे से नींद आ जाएगी, ठीक है? नहीं बाबा, आप ऑफिस में पूरे दिन काम करते हो, आप थक गए होंगे। मैं एक स्टोरी बुक पढ़ के सो जाऊंगा। लेकिन वीनू, तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरी थकान दूर हो जाती है। तो आज मुझे स्टोरी बुक पढ़ने का मन कर रहा है। पक्का ना? अच्छा सुनो, अगर फिर भी नींद ना आए ना तो अपने बाबा को कॉल कर देना, ठीक है? ओके ओके बाबा, अब सो जाइए। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट मेरा बच्चा। आई लव यू। आई लव यू आई। आई लव यू टू। आई पोंगल लोग करते नहीं है। आप एक काम करो, आप पुलिस को फोन करके उन अंकल लोग को पकड़वा लो। हम किसी की शिकायत दर्ज नहीं कराएंगे। और सभी, आप बहुत छोटे हो, इन सब चीजों में आप नहीं पड़ोगी, ओके? लेकिन आई पुलिस। आई। सभी गो स्लीप। ये विनायक कौन है? सभी किसकी बात कर रही थी? मुट्ठी बन, आ हाँ। ये क्या है? ये सपना है, हमेशा अपने पास संभाल के रखना। देखा, हमेशा की तरह सबसे स्लो भागने वाली रेस में तू फर्स्ट आया है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें ये ना चाहते हुए भी हमेशा जीतता है। अक्षय ने मुझे ऐसे क्यों बोला था कि मैं हमेशा लास्ट आऊंगा? मैं भी तो फर्स्ट आ सकता हूँ, मैं भी तो जीत सकता हूँ। स्कूल कैंप में ना एक बहुत ही प्यारा बच्चा है, लेकिन उसको ना पैरों में बड़ी तकलीफ है, चलने में। उसके पैरों में ब्रेसेस हैं। क्यों मौसी, उस बच्चे के लिए ना मेरे मन में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, शायद उसके नाम की वजह से। यस मैम। डॉक्टर सी, एक इमरजेंसी है। नागपुर से जो बच्चे कैंप में आए थे ना, उसमें से एक बच्चा गिर गया है। विनायक नाम है उसका। पहले से उसको पैरों में ऐसी प्रॉब्लम थी और अब तो उसे और तकलीफ हो गई है, वो बहुत दर्द में है। आप प्लीज डॉक्टर सही से कहिए कि इसे इलाज की सख्त जरूरत है। मैम बेहतर होगा अगर आप उसे यहाँ ले आए, मैं उसका इलाज ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। यस मैम प्लीज। उषा मौसी जल्दी से हल्दी वाला दूध लेकर आई है। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा आपको स्कूल में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। तो फिर आपको तो टेबल्स आती होंगी ना? कहाँ तक आती है आपको टेबल्स? 15 तक। तो बताओ 15 8 जा 120। अरे वाह आ गया। वो भी गया? मुझे दैट भी नहीं हुआ। सॉरी। दोबारा करूँ और इस बार आई मेक श्योर आपका दर्द हो। थैंक यू डॉक्टर आंटी। बेटा चलो अभी खड़े हुई। विनायक आपको हमेशा ही इतना दर्द होता है? आपकी रात की कोई मेडिसिन है? आपने वो मेडिसिन ली? चलो आज उठो, बस दवाई खाने के लिए आप फिर लेट जाना। 1 2 3 देखना दवाई खा के आराम मिलेगा। हाँ आ उठने का ट्राई करो। गुड बॉय। तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? उन लड़कों ने तुमको फिर से परेशान किया क्या? किन लड़कों ने? आई कैंप में ना कुछ लड़कों ने नायक को धक्का देके खिला दिया। बेटा क्या ये बच्चे आपका स्कूल में भी मजाक उड़ाते हैं? नायक आई को कहते हैं वो तुम्हारी हेल्प करेगी। आई कहती है तो अपनी हेल्प नहीं करते, उनकी हेल्प पापा भी नहीं करते है ना? हाँ बेटा वो लड़के मुझे हमेशा तंग करते हैं, हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं चल सकता, लेकिन ये तो सच ही है कि मैं नहीं चल सकता, मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। वो लड़के आज कह रहे थे कि मैं कभी रेस में नहीं पार्ट ले पाऊंगा। वो अक्षय वो बहुत गंदा है, मुझे स्कूल में भी तंग करता है। मैं आज बिना रेसेस की चलने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं गिर गया। सब लोग सही कहते हैं, मैं कभी स्कूल की रेस में पार्ट नहीं ले पाऊंगा। विनु तुम सो गए या जाग रहे हो? सबसे पहले तो ये आंसू पोंछो तो आप रोगे नहीं। ओके विनायक, चाहे वो अक्षय हो या कोई और, आप आज से सबकी बात इस कान से सुनोगे और इस कान से आउट। ओके क्योंकि बेटा आपके अंदर ना बहुत हिम्मत है, बस आपको वो हिम्मत ना हारनी नहीं है। स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल मेरी आई की तरह मेरा एक बहुत बहादुर है, उनको जो करना है वो कर सकती है, वो बहुत अच्छी डॉक्टर है, सबसे बेस्ट। मैं तुम्हें कहा था ना आई तुम्हें चेक कर देखी। गुड बॉय। सही, ये लो हल्दी वाला दूध। चलो आराम आराम से पियो, गरम है। तब तक इसको लीप लगा दी। प्रिंसिपल मैम, क्या विनायक आज मेरे साथ रुक सकता है यहाँ पर? अगर दोबारा इसको दर्द उठा तो मैं इसके पास ही होंगी इसका ख्याल रखने के लिए। ओके। और क्या आपने इसके पेरेंट्स को बता दिया? हाँ, वही अभी कर रही हूँ। रिप्लाई क्यों नहीं हो रहा है? लगता सो गया है, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। मेरा विनू ठीक होगा ना? मैम प्लीज मेरे पापा को कॉल मत कीजिए, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। विनायक आप उस बात की चिंता मत करो। मैं खुद आपके बाबा से बात करूँ। फोन तो ऑफ आ रहा है, कल मैं उनको फोन करके सब बता दूंगी। ओके डॉक्टर सही, मैं चलती हूँ। थैंक यू मैम। हरी अप, फिनिश। बस तुम मेरे दोस्त बनोगे? हम तो पहले से ही दोस्त हैं। जब आपने मुझे उन गंदे बच्चों से बचाया था, मुझे तो पता ही नहीं था हम दोस्त हैं, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। वो मैं तुमसे दोस्ती हूँ ना, इसीलिए। और दोस्ती सेम एज वाले से होती है ना? नहीं, ऐसे नहीं होता। अब हम दोनों फ्रेंड्स हैं, हम सेम सेम एज के हैं, है ना? एक मिनट। वाओ, ये कौन है? ये सफी है और ये सफी की आई है, पर इसमें सफी के बाबा कहाँ हैं? आई, आप विनायक से बोलो, मैं पापा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता मेरे पापा कहाँ हैं। मेरी आई को पता है पर वो मुझे बताती नहीं, मुझे उनकी ये बात अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी आई बहुत अच्छी है, जरूर वो तुम्हें तुम्हारे बाबा के बारे में बताएंगी। तुम्हारे पापा हैं? हाँ, मेरे बाबा भी हैं। सबके बाबा होते हैं, लेकिन मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जब वो होते हैं वो मुझे अपने कंधे पर बिठा के रेस लगाते हैं और उनके साथ कोई मुझे तंग नहीं करता, वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। अब मैं तुम्हारी फ्रेंड बन गई हूँ ना, मैं भी तुम्हें मेरे कंधे पर बैठा के रेस लगाऊंगी और मेरे होते हुए कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। मेरी नसों टिके है ना? सभी तो बिल्कुल पुलिस ऑफिसर की तरह बात करती है। हाँ, मैं भी तो बच्चों के पुलिस ऑफिसर बनूंगी। इसे तो पुलिस ऑफिसर बनना है। आपको क्या बनना है बड़े होके विनायक? डॉक्टर, एकदम आपकी तरह। सभी ने तो कभी नहीं बोला कि उसे मेरी तरह बनना है। चलो कोई तो है। एक कल मैं डॉक्टर, क्यों? एक डॉक्टर और एक पुलिस ऑफिसर, सबसे बेस्ट। क्या हुआ आई, मैं कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं माजी आई, आप कभी कुछ गलत बोल सकते हो। चल सोने चले। चलो चल, लेट आओ, भैया को हेल्प करो। पहले तो अपनी बुक